वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैं आपको बोली थी कि मैं नेक्स्ट मिलूंगी 1.6 एक्सरसाइज के साथ, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6। एंड कौन सा टॉपिक है उसमें? इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स, नंबर्स दैट कैन बी पुट इनटू पेयर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, दीज 10 स्टार्स कैन बी पुट इंटू 5 पेयर्स, सो 10 इज एन इवन नंबर। तो पहले मैं आपको बता दूँ पेयर क्या होता है। हम लोग बोलते हैं ना अ पेयर ऑफ शूज, तो वन पेयर में हमेशा टू ऑब्जेक्ट्स रहना चाहिए। तो जब टू ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं तो वन पेयर बनता है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 10 स्टार्स दिया गया है तो 10 स्टार्स को हम लोग क्या करेंगे, टू टू के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया टू, फिर टू, फिर टू, फिर टू, देन टू, तो कितना हुआ, टू टू फोर टू सिक्स टू एट टू टेन, तो कितने पेयर बन गया, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पेयर्स। तो वही बोला गया था कि नंबर्स दैट कैन बी पुट इनटू पेयर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो जो नंबर को हम लोग पेयर में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, उस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। तो यहाँ पे 10 जो था स्टार्स, हम लोग उसको पेयर में बना दिए, तो 10 क्या हो गया, इवन नंबर। ठीक है, सेम एग्जाम्पल्स, कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं, 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन आर इवन नंबर्स। और एक भी इजी तरीका है इवन नंबर्स को याद रखने के लिए, इवन नंबर्स हैव 2, 4, 6, 8 और 0 इन देयर वंस कॉलम। जो वंस प्लेस होता है उस जगह में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहते हैं तो वो सब क्या होता है, इवन नंबर्स होता है। क्योंकि हम लोग को पेयर फॉर्म करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा टू टू करके बनाने में, तो अगर आप लोग इसको याद रख लेते हो 2, 4, 6, 8 एंड 0, ये जो 5 डिजिट्स है वो अगर वंस प्लेस में होगा, जैसे कि ये है 2 डिजिट नंबर, ये वाला जो है वो वंस प्लेस है, उसके बाद वाला जो नंबर है टेंस प्लेस है, तो अगर वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट होगा तो वो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, इवन नंबर। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 2 है वंस प्लेस में, 14 यहाँ पे 4 है वंस प्लेस में, देन 16 में 6 है वंस प्लेस में, 18 में 8 है वंस प्लेस में, वो जो कि 10 पढ़े थे 0 है वंस प्लेस में, तो ये सब क्या है, इवन नंबर। सेम 24 हो गया, या फिर 46 हो गया, या फिर 68 हो गया, मतलब 98 हो गया, 38 हो गया, 36 हो गया, कुछ भी होगा अगर वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8, 5 डिजिट है तो वो होगा आपका इवन नंबर। नेक्स्ट आता है ऑड नंबर्स। नंबर्स दैट कैनॉट बी पुट इनटू पेयर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, जो कि पूरा ऑपोजिट है इवन नंबर का। ऑपोजिट मतलब अलग, इवन नंबर में था नंबर्स दैट कैन बी पुट, यहाँ पे लिखा है नंबर्स दैट कैन नॉट बी पुट इनटू पेयर्स, जो कि पेयर नहीं हो पाए। जैसे कि 9 स्टार, हम लोग 2, 2, 2, 2 4 ग्रुप बनाने के बाद एक बच गया, तो जहाँ पे ऐसे बच जाता है पेयर बनने के लिए, उसके पास और कोई उसका दोस्त नहीं होता है, जोड़ी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। और एक भी है याद रखने का तरीका, क्या है, जैसे कि वहाँ पे आप लोग 5 डिजिट याद कर रहे थे वंस प्लेस में रहने से, हम लोग कैसे पहचानते हैं इवन नंबर, जो कि 0, 2, 4, 6, 8 ये जो 5 नंबर्स थे वो अगर वंस प्लेस में रहते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं इवन नंबर। सेम हियर, ऑड नंबर्स हैव 1, 3, 5, 7 और 9 इन देयर वंस कॉलम। तो अगर 1, 3, 5, 7 और 9 वंस प्लेस में रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। एग्जाम्पल देखो, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन आर ऑड नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस में क्या है, 1, 3, 5, 7। ओके, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑड नंबर्स इंक्लूड 43, 87, 75, 39, 21। देखो सारे नंबर्स में वंस प्लेस में क्या है, 3, 7, 5, 9, 1 जो कि मैं बोली थी वहाँ पे, 1, 3, 5, 7, 9 रहने से वंस प्लेस में वो होगा आपका कौन सा नंबर, ऑड नंबर। बस आपको यही याद रखना है,
02468 रहने से इवन होता है वंस प्लेस में रहने से। अगर वंस प्लेस में 13579 रहता है तो वो आपका कौन सा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन क्या बोला है? चूज एंड राइट द इवन नंबर्स अमोंग द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे जो है नंबर्स दिया गया है उसमें से आपको क्या करना है? राइट द इवन नंबर्स अमोंग द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइड। ये जो स्पेस दिया गया है उसमें आपको ये लाइन जो है, ये जो रो है, उनमें से इवन नंबर ढूंढ के लिखना है। तो मैं बोली थी 02468 अगर होगा वंस प्लेस में वो होगा आपका इवन। तो यहाँ पे देखो ज़ीरो है तो ये इवन होगा। यहाँ पे है क्या? नहीं। यहाँ पे है तो ये होगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो कौन कौन सा हो गया? 90 और 56। सेम देखो यहाँ पे 2 है तो ये इवन होगा। यहाँ पे नहीं है 02468 तो ये क्रस। यहाँ पे 0 है तो ये होगा। यहाँ पे 8 है ये होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे 0 ये होगा। तो 152 120 198 और 170 ये सब आ जाएगा इवन नंबर में। अभी नंबर 2 क्या बोला है? चूज़ एंड राइट द ऑड नंबर्स अमंग द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब इनमें से हम लोग को क्या ढूंढना है? ऑड नंबर। ऑड नंबर के वंस प्लेस में क्या होता है हम लोग को याद करना है? 13579। तो आपको अगर याद नहीं रहता है, मतलब एक साथ आप याद नहीं कर पाते हैं, तो एग्ज़ाम में जो पेपर दिया जाएगा उसके साइड में 13579 लिख दीजिएगा। देन आपको सिलेक्ट करने में ईजी होगा कि कौन सा ऑड है एंड कौन सा इवन है। तो आप अगर साइड में 13579 लिख दोगे तो आप यहाँ पे देख लोगे कि वहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 है क्या? यहाँ पे है तो ये ऑड, यहाँ पे नहीं है तो ये इवन। 13579 में से कुछ भी नहीं है तो ये इवन हो गया क्रस। ये 1 है ये होगा, ये 0 है तो ये इवन हो गया क्रस, ये होगा ऑड। एंड ये 2 है तो इवन हो गया क्रस। तो कौन कौन सा ऑड हुए? 69 21 एंड 53। सेम इधर यहाँ पे 8 है तो इवन हो गया, यहाँ पे 7 है तो ऑड होगा, यहाँ पे 9 है तो ऑड, यहाँ पे 8 है तो नहीं होगा इवन, ये भी नहीं होगा। 123 तो कौन कौन सा होगा? 157 169 एंड 123। ओके सो टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।